दोस्तों नमस्कार आज हम एक थालपोश बनाएंगे जिसमें हम ये तीन कलर का ऊन लगाएंगे ये प्लाई का ऊन है इसे हम डबल ऐसे दो धागा कर लिए हैं डबल और इसी से हम बनाएंगे और इसमें दस नंबर की क्रोशिया तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम गाठे लेंगे और गाठे लेकर के हमें चैन लेना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस चैन लेकर हम इसे राउंड कर देंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इसमें हमने बीस डबल क्रोशिया बनाया है हम गिन करके दिखाते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस यहाँ बीस हमारा हो गया तो ये हम ऐसे यहाँ ज्वाइंट कर देंगे फिर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और फिर इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है अब इन सब के भीतर हमें दो दो डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लिया अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट कर देंगे ऐसे और उसके बाद से एक दो तीन चार पाँच पांच चैन लेकर हमें यहाँ एक दो तीन चार चार डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, दो सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे यहाँ ऐसे और फिर एक दो तीन चार पाँच और ऐसे ही चार चार डबल क्रोशिया छोड़ कर हम पाँचों के बीच में डालेंगे ये ये हमारा राउंड पूरा हुआ अब यहाँ पर हम ज्वाइंट करके इस धागे को कट कर देंगे ऐसे इस धागे को हम और ये हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यहाँ नौ हमारा हुआ है जो हमने बांधा है सिंगल क्रोशिया से यहाँ हम धागा चेंज कर रहे हैं तो ये जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया दो दो सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पर अब हमें बनाना है तो यहाँ हम चैन ले रहे हैं तीन चैन और फिर इसी में हमें डबल क्रोशिया बनानी है तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हमारा ये चैन लेकर हमारा छह होना चाहिए तो यहाँ चार हुआ है हमारा पाँच छ चैन छह डबल क्रोशिया बनने के बाद फिर हम यहाँ पर छह चैन भी लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ छह चैन लेने के बाद फिर हम यहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है वहीं पर फिर हमें डबल क्रोशिया ऐसे ही हम दो राउंड पूरा करेंगे तो चलिए दो राउंड बना के दिखाते हैं अभी देखिए ये, ये राउंड हमने पूरा कर लिया अब इसे हम यहाँ फर्स्ट वाले चैन में यहाँ बांध लेंगे एक चैन लेंगे हम और फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के चेन में फिर इसे भी बांध लेंगे ऐसे ही हमें चैन लेना है और यहाँ बांधते हुए हम बीच में जाएंगे छह चैन छः डबल क्रोशिया हमने बनाया है तो तीन तीन के बीच में हम आ गए हैं तीन इधर तीन इधर अब यहाँ पर चैन लेंगे हम तीन चैन लेने के बाद फिर हम इस बीच में भी छह डबल क्रोशिया बनाएंगे और जैसे ये राउंड हमने पूरा किया है वैसे ही फिर छह डबल क्रोशिया के ऊपर छह डबल क्रोशिया बनेगा और फिर चैन के सामने चैन बनेगा ऐसे ही ये भी राउंड पूरा होगा देखिए एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः और फिर दूसरे पर इसके भी बीच में हम ऐसे ही ये हमारा ये भी राउंड पूरा होगा देखिए ये दूसरा राउंड पूरा करके हम तीसरे पर आ गए हैं और यहाँ छः डबल क्रोशिया हमने बना लिया अब इसके बाद हम चैन लेंगे एक दो तीन चार चार चैन ले करके के हमें यहाँ ऐसे पहले वाले चैन में हम फंसाए हैं और इधर से ऐसे करके फंसाते हुए यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे ऐसे और फिर एक दो तीन चार चार चैन लेकर और फिर हम छह डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही ये हमारा पूरा राउंड चलेगा छह डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें चार चैन लेना है यहाँ तीन तीन छः हो गया हमारा एक दो तीन चार चैन लेकर सिंगल क्रोशिया से हमें इसे ऐसे बांध लेना है ऐसे और उसके बाद फिर एक दो तीन चार ऐसे ही बांधते हुए हम पूरा ये राउंड करेंगे देखिए ये राउंड हमने पूरा कर लिया अब इसे हम यहाँ फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे और फिर एक चैन लेकर फिर हम बीच में जाएंगे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बांधते हुए ऐसे अब यहाँ हम बीच में हम आ गए हैं तो यहाँ पर हम चैन लेंगे एक दो तीन सॉरी यहाँ चैन हम अभी नहीं लेंगे यहाँ हमें दो सिंगल क्रोशिया बीच में बनानी है देखिए हमारा दो हो गया फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात इसे हम नाप लेंगे कि ये फ्लावर हमारा कितनी दूरी पर आता है तो हमने सात चैन लिया है आठ नौ यहां हमारा नौ पर आ जा रहा है बीच में तो यहाँ हम फिर सिंगल क्रोशिया बीच में बना लेंगे हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बीच में एक चैन ऐसे और फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अब हम बराबर बराबर चैन लेंगे नौ चैन लेकर सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ बनाना है और सिंगल क्रोशिया के बीच में हमें एक चैन लेना है यहाँ दो सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे और फिर नौ चैन लेंगे ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करके धागे को कट कर लेंगे ये देखिए ये हमने राउंड पूरा कर लिया और यहाँ धागे को काट लिया है अब यहाँ फिर हम अब ग्रीन लगा रहे हैं यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से पहले इसे बांध लेते हैं उसके बाद यहाँ पर हम तीन चैन ले लेंगे एक दो तीन तीन चैन लेने के बाद हमें इस चैन में डबल क्रोशिया बनाना है तो इसमें हमारा बारह डबल क्रोशिया पूरा बनेगा ये हमारा टोटल बारह डबल क्रोशिया बना लिया है हमने देखिए यहाँ गिन करके दिखा देते हैं ये हमने जो एक एक बनाया है यहाँ चैन ले करके इसको छोड़ करके हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह बारह डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने बीच में सिंगल क्रोशिया यहाँ दो बनाया है उसके बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर ऐसे और फिर उसके बाद से हम इस चेन में हमें हर चैन में बारह डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में एक चैन बनाना है जहाँ सिंगल क्रोशिया है तो ऐसे ही ये भी राउंड पूरा होगा हमारा ये ये राउंड हमने पूरा कर लिया ऐसे अब इसे हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे और उसके बाद सिंगल एक चैन लेकर और हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया से बांधते हुए जाना है एक चैन सिंगल क्रोशिया एक चैन सिंगल क्रोशिया और हम बारह डबल क्रोशिया इस चैन में बनाए हैं तो जहां हमारा छ आ जाएगा उसी के ऊपर हमें फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है तो यहां हम गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ यहाँ हमारा छ आ रहा है तो यहाँ पर हम ऐसे ऐसे और यहाँ पर हम एक चैन लेकर दो सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे एक हमने पहले बनाया और फिर एक चैन लिया और यहाँ सिंगल क्रोशिया हमने बना ली सॉरी यहाँ डबल क्रोशिया हो गया हमारा यहाँ सिंगल क्रोशिया हम ऐसे उसके बाद हमें चैन लेना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अब देखिए हम ऐसे नाप लेंगे और जो बारह के बीच में हमारा छः होगा उसी के बीच में हमें फिर यहाँ ज्वाइंट देना है तो ऐसे हम दस चैन ले करके और छः डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ हमारा आ रहा है तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चैन लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही ये राउंड पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद इसे इस धागे को कट कर देंगे हम देखिए ये, ये राउंड हमने पूरा कर लिया और यहाँ धागे को कट कर लिया है अब यहाँ हम शुरू करेंगे फिर वाइट से यहाँ हम चैन में बांध रहे हैं ये देखिए एक दो तीन तीन चैन लेकर जैसे हमने बारह डबल क्रोशिया नीचे वाले में बनाया है वैसे ही इसमें भी हमें बारह डबल क्रोशिया बनानी है बारह डबल क्रोशिया और यहाँ पर जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया दो बनाया है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया सॉरी है यहाँ पर हमने बारह नहीं सोलह डबल क्रोशिया बनाया है तो देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यहाँ हमें सोलह डबल क्रोशिया बना करके फिर जहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे अब एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम चैन में वैसे ही सोलह सोलह डबल क्रोशिया पूरा चैन में बनाएंगे और ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे देखिए कि हमने ऐसे ये राउंड पूरा कर लिया है अब यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देंगे ऐसे ज्वाइंट करने के बाद हमें यहाँ पर एक दो तीन तीन चैन और फिर एक दो दो चैन ले लिए उसके बाद एक दो दो डबल क्रोशिया छोड़ करके हमें एक डबल क्रोशिया ऐसे बॉक्स हमें बनानी है देखिए ऐसे फिर एक दो दो चैन लेकर फिर एक दो दो डबल क्रोशिया को छोड़ करके फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया ऐसे फिर एक दो ऐसे ही हमें देखिए यहाँ तक हम आएंगे ऐसे ही बिनते हुए देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं तो अब यहाँ एक दो को छोड़कर हम यहाँ पर अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ देखिए यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर वैसे ही हम दो चैन लेंगे और दो को छोड़कर कर यहाँ बॉक्स बनाएंगे फिर एक दो दो चैन लेकर फिर बॉक्स ऐसे ही ये राउंड हमें पूरा करना है और जहाँ जहाँ हम यहाँ बांधे हैं वहीं पर हमें दो दो डबल क्रोशिया बनानी है जैसे यहाँ बनाया है देखिए ये हमारा ऐसे यहाँ पर पूरा हो गया तो यहाँ हम तीन चैन के सामने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे पहले यहाँ एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे और उसके बाद सिंगल क्रोशिया ऐसे ऐसे ज्वाइंट करने के बाद फिर एक चैन लेंगे और इधर पीछे से यहाँ ऐसे निकाल के फिर यहाँ चैन लेंगे हम एक दो दो चैन लेने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया तो इधर हमारा दो हो गया और फिर इसके सामने दो डबल क्रोशिया के सामने दो डबल क्रोशिया हमारा बनेगा ऐसे और उसके बाद फिर इस यहाँ पर हम चैन के सामने दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ऐसे ही ये हमारा बढ़ते हुए जाएगा अभी हम ये हमारा दूसरा राउंड चल रहा है दो राउंड और हम बनाएंगे तो ऐसे ही फिर एक दो, दो चैन लेकर अब यहाँ डबल क्रोशिया फिर ये चैन के सामने हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है फिर एक दो, दो चैन डबल क्रोशिया हर चैन में हमें डबल क्रोशिया फिर बनाना है ऐसे ही हमें ये पूरा करना है और यहाँ हमारा बढ़ते जाएगा देखिए ये हम ऐसे बिनते हुए यहाँ हमारा जाली ऐसे बन गया और यहाँ आ गया है तो यहाँ जहाँ हम दो डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके पहले जो चैन हमने दो चैन लिया है इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है अभी हमारा बढ़ते हुए जाएगा ये दो डबल क्रोशिया फिर दो डबल क्रोशिया के सामने दो डबल क्रोशिया और फिर तो ये हमारा छः डबल क्रोशिया हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए ऐसे और ऐसे ही हम चार राउंड बीनेंगे ये दो राउंड हो गया दो राउंड और हमारा बनेगा और फिर यहाँ देखिए दो चैन और फिर ये जाली के सामने ऐसे ही ये हमारा थाल पुष्प बढ़ते जाएगा देखिए ऐसे ही हम चार पूरा हो जाता है तब दिखाते हैं आपको देखिए यह हमने चार राउंड पूरा कर लिया है यहाँ देखिए ये एक दो तीन चार ये हमारा दो से छः हुआ है और फिर उसके बाद दोनों साइड में हम दो दो बढ़ाते गए हैं तो यहाँ चौथा लाइन में हमारा दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह यहाँ हमारा चौदह डबल क्रोशिया हो गया अब इसे इसके ऊपर हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमने ये राउंड पूरा कर लिया अब यहाँ हम ऐसे जोड़ लिए फिर एक दो तीन तीन चैन लेने के बाद फिर दो चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे हमारा तीन चैन एक क्रोशिया हो गया और दो चैन और फिर यहाँ पर हम अब इसे घटाना है तो यहाँ दो डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और यहाँ ऐसे इस तरह ऐसे ही इसके ऊपर हमें बनाना अब और घटाते हुए हमें जाना है तो हम दो दो करके घटाते हुए, तो करके घटाते हुए जाएंगे और बॉक्स के सामने हमारा बॉक्स ही बनेगा देखिए यह हमारा चौदह ये वाला था चौथी लाइन का हमारा तो यहाँ पर अब दस हो गया दस के बाद फिर एक दो, दो चैन लेंगे हम दोनों साइड से दो दो घटाना है हमें और फिर यहाँ बॉक्स के सामने हम बॉक्स बनाएंगे और ऐसे ही हमारा ये घटते हुए फिर दो तक चला जाएगा देखिए ऐसे एक दो ऐसे ही हमारा बनेगा हम ऐसे ही ये जहा हम दो से चालू किए हैं तो ये भी हमारा घटते हुए में दो तक आना चाहिए चलिए ये राउंड पूरा करके ही दिखाते हैं आपको देखिए ये राउंड हमने पूरा कर लिया यहाँ आप ज्वाइंट कर देंगे तो ऐसे हम, हमने ज्वाइंट किया फिर उसके बाद से हम एक चैन लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से बांध लिए उसके बाद फिर एक दो तीन तीन चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया उसके बाद फिर एक दो, दो चैन लेकर फिर हमें इधर दो घटाना है तो ऐसे ही हमारा घटते हुए अब जाएगा ये देखिए ये राउंड हमारा घट करके के ऐसे हुआ है वैसे तो ही हमारा घटते हुए में दो तक आ जाएगा तो चलिए अब ऐसे ही बिन करके हम दिखाते हैं आपको दो तक आएंगे तब अब दिखाएंगे देखिए ये हमने घटाते हुए में दो पर यहाँ हमारा आ गया है अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया है वैसे ही हम यहाँ भी बनाएंगे देखिए हम घटते हुए अब हमें यहाँ क्या करना है जो हमारा बॉक्स है उसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे और हमें बीच में चैन नहीं लेना है और ये दो डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा दो डबल क्रोशिया बनेगा और बॉक्स में तीन डबल क्रोशिया बनेगा ऐसे ये हमारा हर बॉक्स में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनानी है बिना चैन लिए हुए और दो डबल क्रोशिया जहाँ हमारा ये बर्फी डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है उसके सामने हमें दो डबल क्रोशिया के सामने दो डबल क्रोशिया बनानी है ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड हमारा तैयार होगा और उसके बाद से फिर हम कलर चेंज करेंगे देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया ये इस तरह से अब हमें फिर यही डिजाइन हमें डालना है तो फिर हम वाइट वाला जैसे यहाँ चैन लेकर किए हैं वैसे ही करना है तो हम एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन लेकर और यहाँ यहां से गिनेंगे जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पर हम बांधेंगे एक यहाँ से देखिए एक दो तीन चार चार छोड़ करके हमें और ऐसे चैन में सिंगल क्रोशिया हम बांध लेंगे फिर एक चैन लेंगे और फिर अगले वाले चैन में सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे ऐसे दो यहाँ सिंगल क्रोशिया बनानी है उसके बाद एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन लेना है और चार डबल क्रोशिया एक दो तीन चार चार को छोड़ करके हमें अब हमें सेम जैसे नीचे हमने किया है वैसे ही दोहराना है यही डिजाइन हमारा बनते जाएगा दो सिंगल क्रोशिया के बीच में एक चैन रहेगा और यहाँ पांच चैन लेना है और चार डबल क्रोशिया छोड़ करके हमें ऐसे एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन लिए उसके बाद एक दो तीन चार चार को छोड़ करके उसी के बीच में हम पाँचवें के बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चेन लेंगे और फिर अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही हमारा ये थालपूस बड़ा होगा और फिर इसके ऊपर हमारा यही डिजाइन फिर बनेगा जो हम सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं बना रहे हैं इसी के बीच फिर हम जैसे ये ब्राउन में हमने किया है सॉरी मैरून में ये छः छः डबल क्रोशिया तीन राउंड हमारा दो राउंड बना के तीसरे राउंड में हमें बांधना है और ऐसे ही ये हमारा थाल तैयार होगा तो चलिए आप तैयार करके दिखाते हैं आपको देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है और इसे अगर आप और बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसके बाद फिर जैसे हमने ये डाला है मैरून से वैसे ही इसके ऊपर फिर मैरून लगेगा और आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ये मेज पोस्ट या थाल पोस्ट बना सकती हैं और बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने जो यहाँ ये यह बनाया है इसके ऊपर एक एक बर्फ़ी हमने बनाया है तो यहाँ एक एक को हम छोड़ करके ये बर्फी बनाए हैं यहाँ देखिए यहाँ ये एक डिजाइन के बाद ये डिजाइन हम छोड़ दिए हैं फिर दूसरे डिजाइन पर हम ये एक एक बर्फ़ी चालू किए हैं बीच का एक एक छोड़े हैं अब हम यहीं पर अपना ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं तो अब इसके ऊपर हम झालर लगाएंगे तो झालर के लिए हम चैन लेंगे देखिए यहाँ से हम शुरू कहीं से भी इसे शुरू करना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हमने दस चेन लिया है और यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस पर हम फिर इसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे और ऐसे ही हम ये दो राउंड पूरा करेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और फिर दस डबल क्रोशिया छोड़ना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दस पर हम सिंगल क्रोशिया से फिर ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे इसे हमें दो राउंड पूरा करना है इस राउंड को हम दस चैन ले रहे हैं दूसरे राउंड में हम पंद्रह चैन लेंगे और हमारा चैन के बाद झालर लगेगा चलिए ये चेन बना करके उसके बाद झालर लगाना बताएंगे हम ये देखिए हमने ये दो राउंड पूरा कर लिया है अब इसमें हम झालर लगाएंगे तो हमने झालर ऐसे उनको ये ग्रीन वाले को काट लिया है और इसे हम ऐसे बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्द बन जाएगा और आराम से इसे ऐसे हम बांध लेंगे और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं देखिए इस तरह हमारा झालर तैयार होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें ऐसे ही हमारा ये चारों तरफ झालर बनेगा ये आपको थालपोस डिजाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए वीडियो देखने के लिए थैंक यू